राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी चल रही होगी। लेकिन फेस्टिवल की याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि आज है दीपावली का त्यौहार और आप सभी लोग दोस्तों इस त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और आप लोग ज़्यादातर लोग अपने घर परिवार के साथ होंगे और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो अपने रूम पर बैठ के पढ़ाई कर रहे थे लेकिन घर जा पाने में सफल नहीं हो पाए या घर नहीं जा पाए अपनी इच्छा से। क्यों? क्योंकि जो बहुत दिन से तैयारी कर रहा होता है घर से बाहर, उसकी इच्छा ये रहती है कि सिलेक्शन हो जाए तभी हम घर जाएं, क्योंकि सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारी दिवाली भी अच्छी होगी और हमारे साथ हमारा घर परिवार समाज भी बेहतर तरीके से दीपावली को सेलिब्रेट कर पाएगा। तो दोनों तरीके के छात्रों को, जो परिवार के साथ हैं और जो परिवार से बाहर हैं, उन दोनों ही लोगों को करियर विद आशुतोष चैनल और एप्लीकेशन की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग बढ़िया से इस त्यौहार को सेलिब्रेट कीजिए। और मेरा मैसेज आप सभी लोगों के लिए यह है कि अभी 2-3 दिन के लिए अपनी सारी टेंशन को भुलाकर इस फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए। और आपको पता है कि यह त्यौहार आपका धनतेरस से शुरू हो जाता है, फिर छोटी दीपावली, फिर बड़ी दीपावली और फिर आपका भाई दूज तक यह त्यौहार चलता है। और उसके बाद पूर्वांचल के जो लोग हैं वो लोग छठ पूजा तक त्यौहार को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सभी लोग दोस्तों ये जो फेस्टिव वीक है इसमें पूरा त्यौहार अच्छे से मनाइए। क्यों? क्योंकि देखिए लगातार पढ़ते पढ़ते एक शॉर्ट ब्रेक की आवश्यकता भी होती है। तो ये शॉर्ट ब्रेक की तरह है, आपके पास आया है, फेस्टिवल का टाइम है और इसमें दो तीन चार पाँच दिन आपके पास हैं जिसमें आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला है। आप सब लोग बढ़िया सेलिब्रेट कीजिए, अभी पढ़ाई का टेंशन छोड़िए और जब फेस्टिवल कंप्लीट करके आप सब लोग लौटें अपने अपने रूम पर या जहां पर भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या घर के साथ ही रहकर कर रहे हैं, तो मंडे से फिर से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, बस शुभकामनाएं आप लोग के लिए यही है कि जैसे दीपावली का उत्सव प्रकाश का उत्सव है, वैसे ही यह दीपावली आप सभी के जीवन में प्रकाश लेकर आए। और प्रकाश जब आपके जीवन में आएगा दोस्तों, तो केवल आपके जीवन में नहीं आएगा, आपके घर परिवार समाज राज्य और देश में भी निश्चित तौर पर प्रकाश संचारित होगा। क्योंकि आप अगर प्रकाशित होंगे तो डेफिनेटली आपके आसपास के सराउंडिंग में भी प्रकाश फैलेगा, तो आपके जीवन में सफलता रूपी प्रकाश फैले जिससे आपका पूरा संसार प्रज्वलित हो सके, यही मेरी शुभकामना है। तो आप सभी लोगों को अगेन विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे उम्मीद करता हूँ, और करना भी चाहिए और ना करने का कोई प्रश्न नहीं है। आप सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से इस त्यौहार को मना रहे हैं, लेकिन आपको इसका सिग्निफिकेंस भी पता होना चाहिए कि यह त्यौहार हम लोग मनाते क्यों हैं। क्योंकि भगवान श्री राम ने जब विजयादशमी के दिन रावण का वध किया था, तो जब वो अयोध्या वापस लौट कर आए तो आज के दिन ही आए थे, दीपावली के दिन ही आए थे, और उनके अयोध्या वापस आगमन की खुशी में पूरा शहर जो है प्रज्वलित कर दिया गया था दीपों से, और इसीलिए इसे दीपोत्सव के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।